हेलो एवरीवन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और हार्डी वेनवर्क प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो मैं आज के इस छोटे से लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा आपको इस क्वेश्चन को बड़े केयरफुली पढ़ना है और मुझे सही आंसर यानी कि करेक्ट आंसर जो है वो मुझे कॉमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन भी मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिए हैं देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है फोर परसेंट ह्यूमन पॉपुलेशन इन द ऑस्ट्रेलिया शोज द फिनोटाइप जिसको जीनोटिपिकली रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल एन स्मॉल एन से एंड आपको क्वेश्चन क्वेश्चन के आंसर में में चीज बताना है कि what is the frequency of heterozygote in the population? तो सबसे पहले जो में दी गई है, उनको हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी की क्यू आपको दी गई है दैट इज फोर परसेंट फोर परसेंट का मतलब होता है फोर वाई हंड्रेड और इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट जीरो यानी कि एक में कितना पॉइंट जीरो फोर हंड्रेड में चार और एक में कितना पॉइंट तो की वैल्यू आपको नोन है जो है क्लियर? अब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बताना है कि, जो हो कि n, n की जो हो वो क्या होगी तो क्यू स्क्ट जीरो फोर तो हम रेसिव एलिल की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं अंडर रूट पॉइंट जीरो फोर तो यहां पर आपको रेसिस अलील की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी पॉइंट टू तो पहली चीज तो आपने क्या कैलकुलेट कर ली रेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी होगी अच्छा अब हम सभी जानते हैं हार्डी प्रिंसिपल आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि P इज इक्वल का हो, क्या होता है वन होता है यानी कि डोमिनेंट और अलील की जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम टोटल क्या होता है वन अगर आपको एक अलील की फ्रीक्वेंसी पता है तो आप दूसरे की कैलकुलेट बड़े आसानी से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं P P से, तो तो पर मैं लिख सकता और की की आपको आपको क्या मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी तो भी मिल चुकी है और डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी भी मिल चुकी है अब आप सभी जानते हैं कि हम लोग पी स्क्वायर का मतलब क्या मानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट यही होता है ना स्क्वेयर का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जो स्मॉल 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 भी भी हो सकता है, small n, small n भी हो सकता सकता है है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है और आप सभी जानते हैं टू पी क्यू का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी हैट्रोजाइगस जीनो टाइप तो आपको हैट्रोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या करना है कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे अब आप बहुत इजी है फ्रीक्वेंसी ऑफ हैट्रोजाइगस इंडिविजुअल यानी कि टू पी क्यू P की और Q की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है आप पुट कर देंगे P की वैल्यू है आपकी और Q की वैल्यू आपको क्या मिल रही है पॉइंट टू इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू इंटू पॉइंट सिक्सटीन और टू इंटू पॉइंट सिक्सटीन का मतलब हो जाएगा पॉइंट थ्री टू क्लियर या 0.32 तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के इंडिविजुअल जो होंगे इस पॉपुलेशन में उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.32 और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 0.32 आई होप आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत प्रॉपर वे में समझा होगा थैंक यू वेरी मच